एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा का मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के पास एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उन्हें नवी मुंबई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स की टीम के मुताबिक एक्ट्रेस की हालत स्थिर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही FIR दर्ज करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की गुड़ी पड़वा के अवसर पर कार्यकर्ता का सम्मेलन था, जिसके चलते पुणे से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अनेक कार्यकर्ता मुंबई आए थे। इन कार्यकर्ताओं की वजह से मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे काफ़ी ट्रैफिक हो गया था। इस बीच खालापुर टोल नाके के पास अचानक तीन गाड़ियां आपस में टकरा गई। इसी में एक स्विफ्ट कार में मलाइका अरोड़ा की गाड़ी से भी टकरा गई, जिसके चलते मलाइका अरोड़ा जख्मी हो गई। मलाइका अरोड़ा के गर्भी दोस्त ने बताया कि मलाइका को टाके आए हैं, वह अब ठीक महसूस कर रही है। हालांकि वह इस एक्सीडेंट से थोड़े शोक में है। उन्हें सिर पर कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई है, क्योंकि उनके सिर के पास कुशन रखा हुआ था। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।